Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. और अभी भी आप पेपर देख आए हैं तो MEJUDU का पेपर कैसा हुआ यार? क्या वही सब आया था जो कल बताया गया था? और आर्टिसीज जो एनोटेशंस हुई पहली सब पहले वाली सेम टू सेम वही थी जो मेरी कोटेशन में दी थी टू बी और नॉट टू बी. खैर ये डिस्कशन बाद में करेंगे क्योंकि हम उसके डिस्कशन को रूल आउट करेंगे इवनिंग टाइम पे जब मेरे हाथ में पेपर आ चुका होगा तब हम बात करेंगे. अभी फिलहाल हम वर्कआउट कर रहे हैं लास्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर MEG 03. आपने कहा 03 ब्रिटिश नॉवल की बात कर रहे हैं और ब्रिटिश नॉवल में सर वैसा पॉइंट तो नहीं है जो कि हमारे पास MEG 2 में था कि एनोटेशन की दिक्कत नहीं है सर. यहाँ डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी शॉर्ट फॉर्म रिगार्डिंग एनोटेशन. यहाँ पे एनोटेशन नहीं होती, यहाँ पे स्टेट फोर क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं. तो यहाँ चॉइस है आपके पास, चॉइस को तीन पार्ट बांट दिया ए बी और सी. सही ए बी सी क्या है पहले इसको क्लियर करते हैं. मैंने कहा ए बी सी तीन पार्ट्स हैं. फर्स्ट जो नॉवेल्स हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने, मतलब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि हम इन नॉवेल्स को करके जाएंगे. वी हैव टू वर्क आउट दीज नॉवेल्स. जिन्होंने नहीं किया डेफिनेटली जिन्होंने नहीं किया आइडिया नहीं है, रफ आइडिया भी नहीं है तो क्या करेंगे अभी के अभी इस चैनल पे आए हैं. अगर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो अभी चैनल सब्सक्राइब करना पहले, और चैनल सब्सक्राइब करते ही सारी वीडियो देखना सारी फ्रॉम द 1 to last. सारी की सारी वीडियोस हैं यहाँ, वो सारी वीडियोस देखो, हैंड रिंग यूज करना, साथ में नोट्स बनाना, कैरेक्टर्स को डिफाइन करना है, चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट, प्लीज मेक अ फ्लो चार्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस. आपके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे हैं, सीरियसली 3 से 4 घंटे हैं क्योंकि मैं नहीं मानता कि आप पूरा टाइम पढ़ते रहेंगे. तो 3 से 4 घंटे पढ़ना है आपने तो सिर्फ फ्लो चार्ट बना लेना, ऑन टिप कर लेना. ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट. तो सर पहले क्लियर करते हैं कि कौन कौन से नॉवल ऑन प्रायोरिटी हमें करने हैं. तो फर्स्ट थिंग सर ये चाहिए टॉम जॉन्स प्राइम बिजनेस वुडन हाइट्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड अ पैसेज टू इंडिया. आई रिपीट माय वर्ड, टॉम जॉन्स सबसे पहली प्रायोरिटी है. इसका पहला क्वेश्चन ही टॉम जॉन्स का होगा. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड कम फ्रॉम द टॉम जॉन्स, देन वी हैव द प्राइड एंड प्रेजुडिस, देन वी आर कम टू वुडन हाइट्स. One of the best novel in our course, Wuthering Heights. Then come to Great Expectations, Heart of Darkness and A Passage to India. ये वो 6 novel हैं जो मेरी first list में हैं. अगर मैं बोलूँ जून 2019 की पहली list जो बनेगी, जिसमें मैं बोलता हूँ ये 6 novel अगर बताने हो, तो ये 6. कल पेपर है, ज़्यादा दूर नहीं है. पेपर देख के बताना कि जो मैंने कहा है ठीक है या नहीं है. मैं कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली वेट करूँगा. Then we'll come to the next phase. That is, sir, कौन से तीन हैं जो आप छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं स्टोरी जरूर सुने. Facebook आपके पास, sorry, YouTube आपके पास है. YouTube पे सारी स्टोरी सारे नॉवेल्स हैं. आप प्लीज उनको सुन लें. मैंने बोला छोड़ दें प्रिपेयर ना करें डज बेटर, बट उनकी फिगर दिमाग में आ रहे हैं. कौन से? मिडल मार्च, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी. सर इसका पेपर में क्वेश्चन कंफर्म आएगा, पहले बताऊं कंफर्म आएगा. मुझे आप छोड़ सकते हो, मैं कह रहा हूं कि मेरे 6 तो फेवरेट जाएंगे. अब मैंने कहा सर इसमें अलग क्या होता है? सर उसमें आपने बताया था कोर्स को ऐड करना, हमने कोर्स को ऐड किया. सर उसमें आपने कहा था कोटेशन कैसे फॉलो करना, वो भी हमने किया और क्लिक भी कर दिया. सो सारी की सारी कोटेशन ऑन टिप पता थी कहां से, और बहुत इजी थी इस बार, सीरियसली बहुत इजी थी, बहुत इजीली हम ग्रैब कर सकते थे. लेकिन सर इस पेपर में ऐसा क्या अलग है जो हमें ध्यान रखना है, मतलब जहां गलती नहीं करनी. देखो स्टेट फॉरवर्ड पेपर आता है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, नॉवल हमेशा स्टेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. वो थोड़ा सा ट्विस्ट कहां कर सकते हैं? इन इश्यूज में. सिर्फ और सिर्फ 8 इश्यूज है, 8, जस्ट 8. द फर्स्ट थिंग, इश्यूज विच एमर्ज इन द लिटरेचर. सर वो इशू जो लिटरेचर में एमर्ज हुए, जैसे कि 18th या 19th century हो सकता हूँ, 18th या 19th century लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस आए, व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द लिटरेचर इन द 18th और द 19th सेंचुरी, यू गाइस हैव टू राइट द आंसर. वो आंसर आ सकता है तो प्लीज उसको रोक करना ना भूलें. यू गाइस नीड टू वर्क आउट आप कैसे करेंगे, ये मैटर करता है. देन वी कम टू द नेक्स्ट फेज, कैरेक्टर स्केच. सर हाँ स्टेट फॉर कैरेक्टर स्केच आ सकते हैं. स्टेट फॉर टॉम जोन्स का बहुत बड़ा हुआ, एक नहीं बहुत बड़ा हुआ, डॉक्टर फोस्टर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया. यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपने डॉक्टर फोस्टर प्राइमरी प्रिंसिपल से कैरेक्टर से जा सकता है, वुडन हाइट से आ सकता है, ये हमें क्लियर करना है. तो कैरेक्टर से स्टेट फॉरवर्ड कैरेक्टर से जा सकता है. देन कम टू द राइटर कॉन्ट्रीब्यूशन और देयर व्यू पॉइंट्स.
Jane Austen को लेके चलता हूँ मैं डेफिनेटली आई नीड टू मेंशन जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस थी सर उनके फर्स्ट इंप्रेशन ने दिया पहले नाम दिया फिर बदल दिया नहीं ऐसे बड़े जा रहे हैं इन सब में राइटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है राइटर्स की क्या भी पॉइंट है और राइटर्स ने कैसे हाईलाइट किया थ्रू देयर नॉवल अपनी सोच को कैसे दिखाया ये क्वेश्चन आता है ध्यान रखना इस क्वेश्चन की तैयारी करना कि इन जो है ना पॉइंट दिया ना इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे सारे क्वेश्चन इन्हीं से होंगे तो पहला इश्यूज विच एमर्ज लिटरेचर सर वो इश्यूज जो लिटरेचर में एमर्ज होते हैं तो हमें वो सारे के सारे इश्यूज को रूल आउट करना है वी नीड टू वर्क ऑन देन कम ऑन नेक्स्ट फेज दैट इज कैरेक्टर स्केच तो सर कैरेक्टर स्केच को रूल आउट करना होगा उसके लिए मैंने अभी अभी आपको बताया जब आप वीडियो सुनेंगे तब आप क्या करेंगे चार्ट बनाएंगे पूरा फैमिली चार्ट कहता हूँ फैमिली चार्ट में पूरी पूरी डिटेल हम बताएंगे उसमें क्या हो रहा है कैसे करेंगे क्या चेंजेस रहे उन सबको सिग्निफिकेंटली वे में बताना है देन कम टू नेक्स्ट वन राइटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और व्यू पॉइंट तो राइटर के कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उनके व्यू पॉइंट क्या है वो सारे के सारे हमें हाईलाइट करने वी नीड टू मेंशन दैट टू कम अप टू द नेक्स्ट फेज नरेटिव टेक्निक्स सही नरेटिव टेक्निक्स कौन से होनी सर वो अपने फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन Yes, I'm talking about that one only. सिर्फ उसी का ध्यान रखें नई टेक्निक पे बहुत अच्छी अप्रोच होनी चाहिए आपकी आप इसकी प्रिपरेशन ऑन टिप करेंगे कम नेक्स्ट वन हियर द थीमेटिक कंसर्न सर थीमेटिक कंसर्न क्या होते हैं किसी प्ले में थीम क्या लिखे मिस प्राइम द प्राइम बॉडी ओ द हार्ट ऑफ डार्कनेस और आई कैन से अ पैसेज टू इंडिया यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हिस्ट्री हाईलाइट रिलेशनशिप रिलीजन कई सारी चीजें ये थीम्स है केस की सर ये चीजें याद रखनी है आपको यू गाइस रियली नीड टू हैव ग्रिप ऑन दीज इनके ऊपर जितनी ग्रिप होगी उतने इजीली आप चीजों को समझा पाएंगे और एक्सप्लेन भी कर पाएंगे इजीली कम ऑन नेक्स्ट फेज दैट इज सर एप्रोप्रिएटनेस व्हाट डज मीन एप्रोप्रिएटनेस इट्स ऑल द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल ऑफ द स्टोरी कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल ऑफ द स्टोरी द हार्ट ऑफ डार्कनेस वो शांत होता है कमेंट ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइटल ऑफ द स्टोरी मिडिल मार्च सर ये क्या है इनकी स्टोरीज क्या है सर एक शॉर्ट ब्रीफ थीम बताएंगे प्रीवियस वीडियो में दे रखे हैं सारे वीडियोज मिल रही है अगर आपको खाली इनकी समरी जानी है तो पीछे वीडियो जाओ उस वीडियो में देखो एमवी जी की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ बताया सारी कहानियां बताई शॉर्ट में मैंने सर शॉर्ट की गलत इतना टाइम है कि आप सारी वीडियोज को आराम से देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स के बीच के रिलेशनशिप को हाईलाइट करना है सर कोई दो कैरेक्टर सर लीडर के मैं एपिसोड कह सकता हूं मैं सर मैं बेनेट फैमिली को लेकर कुछ कह सकता हूं सर मैं यहां पे अग्रेस की बात करता हूं तो यहां मान लो और कर्ट्स के बीच की रिलेशनशिप जो दिखती गई नहीं उसको क्वेश्चन आ सकता है तो कोई दो कैरेक्टर से रिलेटेड वो रिलेशनशिप को हाईलाइट कर सकता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है देन द लास्ट ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट सर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट सर मैं लास्ट की बात करता हूँ वो मिस जेन बॉडी यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है अगर वीडियो देखी और ऑन टिप है ना तो आपको अच्छे से बताया कि ऑटोबायोग्राफिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पर है अब हमें लिखते हुए क्या करना है हम किस तरह अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएंगे सर आपने कहा था ब्रिटिश ड्रामा के अंदर कोर्स ऐड हो सकते हैं क्या हम कोड स्टेटमेंट कोड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग ब्रिटिश नॉवल यस वी कैन कोड एंड इट्स रियली डू हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ओवर योर टीचर अगर आपको स्टेटमेंट्स याद हैं कुछ कोड्स याद हैं कुछ कैरेक्टर्स की कुछ स्टेटमेंट किसी के लिए जो बोली गई वो याद है तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टेक एन एग्जांपल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस जहां पे डार्सी ने एलिजाबेथ को देखा था बोला था शी इज स्मार्ट बट नॉट मच टू टेम्प्ट मी तो सर यहां पे ये स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूं तो आंसर में एक इंपैक्ट आता है ये चीज मैं किसी भी नॉवल से कह सकता हूं टॉम जॉन से कह सकता हूं द पैसेज टू इंडिया से कह सकता हूं एंड आई कैन से अ पोर्ट्रेट फॉर द आर्टिस्ट द यंग मैन ये चीजें ऐड हो सकती और याद रखना आंसर का मतलब समरी नहीं होता मैंने पहले ही बताया था उसको प्लीज फॉलो अप करना अगर आप सीधा समरी लिख के आ रहे हैं तो आप पास जरूर हो जाएंगे क्योंकि ये नॉवल है लेकिन नंबर अच्छे नहीं आने वाले पहले आपको वो सर्व करना है जो पूछा गया है जो भी क्वेश्चन में टीचर आपसे पूछा तो पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप बहुत इजीली आंसर लिख पाएंगे एंड आई यू गाइस आर गोइंग टू डू दिस
एंड गाइस इट्स रियली इजी, हम कैसे लिखते हैं, हमारे लिखने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप बहुत ही इजीली डेवलप कर पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट के साथ चीजें क्लियर करेंगे। सर योर नोट्स आर मिसिंग इन टुडे क्लास, यस द नोट्स आर मिसिंग, मैं टाइम नहीं मिल पाया, हमको वोट ओपन करा नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे मैंने वो सारे नोट्स के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए, तो आई यूज द बोर्ड फॉर दैट कि आपको दिक्कत ना हो। नोट्स सबके पास है लेकिन अभी आज मेरे कोई फायदा है नहीं सीरियसली, क्योंकि कल पेपर आपका ME4 के लिए दोस नोट है दे कैन गेट। अब हमारी प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन के टिप्स क्या होंगे, सब कुछ हाईलाइट्स बताएंगे आप जो हम करें और पेपर हम कराएं। जस्ट हैव फेथ ऑन यू एंड गाइस वर्क हार्ड ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई नो यू आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर विद गुड मार्क्स। मिलते हैं अगली वीडियोस आप मोस्ट प्रोबेबली फॉर ME4, 5, 7, 10, 8, 11 इन सबकी आनी, क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं और सबकी तैयारी चल रही है। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट प्लीज डोंट वेरी, मैं आपके वेट के हिसाब से काम कर रहा हूँ और आपके लिए वीडियोस जल्दी लेके आना। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।